ठीक हूँ मैं। मैंने से कोई ताने नहीं दिए तैमूर, मैं तो खुद माँ हूँ, इसने क्यों झूठ बोला? भाभी मैंने क्या झूठ बोला आपसे? प्रिय तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सच है क्या झूठ है। तुम जानना चाहते हो ना क्या सच है क्या झूठ? अभी पता चल जाएगा। जाओ सर, डायमंड का वो सेट लेकर आओ जो तैमूर ने तुम्हें दिया था। लेकिन उस सेट का क्या ताल्लुक इससे? सेट तो लेकर आओ फिर बताऊंगी। जाओ लेकर आओ। यहां हमारे रूम में? ये तो किंजा का ड्रेस है ना, तुमने ये क्यों पहना हुआ है? वो सुहेल भाई, वो गलती हो गई, पहली बार इतने अच्छे कपड़े देखे हैं ना, वो भी इतने करीब से। वो मेरा मतलब है कि हमारे हालात में कभी इजाज़त ही नहीं दी कि हम इतने अच्छे कपड़े पहन सकें। खिंजा भी अपने पुराने कपड़े देती हैं तो हम पहन कर गुजारा कर लेते हैं। अभी खिंजा भी घर पर नहीं थी तो मैंने सोचा आप प्लीज़ खिंजा भाभी से कुछ मत कहिएगा वरना वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। प्लीज़। ओके, मैं नहीं बताऊँगा। हाँ, मेरा तुमसे वादा जरूर है ये सोनिया कि मैं बहुत जल्द बिल्कुल ऐसा ही घर तुम्हें बना के दूंगा जिसकी सिर्फ तुम मलका होगी। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो मुझे इस घर में रहने देना, नहीं दिल चाहे तो मुझे इस घर से निकाल देना, जैसे तुम्हारी मर्जी। प्लीज। ऐसी बातें सोनिया, मेरा दिल बंद हो जाएगा। यही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि मैं मजीद आपके साथ रही ना तो मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। ये देखे मेरे जुड़े हुए हाथ, देखे मुझे बख्श दे, माफ कर दे, मुझे आजाद कर दे और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा तो तुम कभी मरकर भी नहीं सोचना सोनिया, मैं तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं करूंगा। Thank you.
तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। तुम्हारे लिए गाड़ी पसंद करने शोरूम जाना है। मैं मानती हूं तैमूर के मैंने ही तुमसे कहा कि अपनी बीवी को लेकर इस घर को छोड़कर कहीं चले जाओ। जानते हो क्यों? इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से, इन्हीं छोटे छोटे मसलों की वजह से जो ये हर वक्त तुम्हारे कान भरती रहती है मेरे खिलाफ। अभी देख लो ना, जरा सी बात पर रोना धोना मचा दिया और तुम ऑफिस छोड़कर, अपने काम छोड़कर घर के मसलों में आ गए हो। मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया था। आज तक मैंने तुम्हें या सुहेल को कभी घरेलू मामलात की टेंशन नहीं दी। तभी तो तुम दोनों इतने कामयाब हो। इसी तरह की औरतें होती हैं जो अपने शौहरों को इतनी टेंशन देती हैं कि वो बस घर के मसलों में उलझ जाती हैं और बिजनेस डुबो देते, कभी तरक्की नहीं कर पाते। तुम ही बता मैं कहां गलत हूं।